कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका, थैंक यू सो सर. फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इन एयरफोर्स एग्जाम यू हैव गॉट 13 रैंक. यस सो सर. दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर इंस्टीट्यूशन एंड फॉर यू ऑल्सो, एंड दैट इज द प्राउड फॉर योर फैमिली एंड अस ऑल्सो, बिकॉज दिस इज द गुड रैंक यू हैव अचीव्ड इन दिस एग्जामिनेशन. सो हाउ यू शेयर द एक्सपीरियंस विद द पीपल दे वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वट दे आर थिंकिंग, हाउ दे कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन. लाइक वाइज यू बिलोंग टू द रूरल एरियाज है ना, तो इन द इनिशियल स्टेजेस द गर्ल्स आर नॉट अलाउ फॉर द डिफेंस फोर्सेज है ना, तो हाउ द पेरेंट्स विल अलाउ द गर्ल्स टू द डिफेंस फोर्सेज. यस सर, सबसे पहले तो जो लड़कियां गांव से आती है उनको बहुत कम कम ही पढ़ाया जाता है, और जॉब के बारे में तो बहुत दूर की बात है. पर अब कुछ टाइम से थिंकिंग चेंज हो गई है लोगों की, लड़कियों को पढ़ाने लग गए हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं मेरे मोहल्ले की पहली लड़की हूँ जो बाहर जाके पढ़ी हूँ, जयपुर तक आई हूँ. और तो आपके गांव में पहली लड़की होंगी जो एयरफोर्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई यस की सर. और जो इतनी अच्छी रैंक के साथ में, वो भी यस सर. 13th रैंक, दैट इज द वेरी गुड रैंक. तो जब मैंने एग्जाम पास किया था तो सबसे पहले तो बस केवल एग्जाम पे फोकस किया था, फिजिकल वगैरह पे इतना फोकस नहीं किया था. तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम थी. इसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने फिजिकल पे मेहनत भी करी और फेज टू के लिए भी मेहनत करी. फेज टू के लिए तो आप जैसे एयरफोर्स का एग्जाम में जीडी की तैयारी कर रहे थे, तो आपको कहाँ कमी लग रही थी कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? जैसे जनरली रूरल एरिया से बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश बोलने में बड़ी दिक्कत आती है, तो हाउ यू गेट द कॉन्फिडेंस इन मोशन अकेडमी? सर, सबसे पहले तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ तो इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती है. रूरल एरिया के सभी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कम होती है. जब मैं आई तो सर ने बताया कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उस पर फोकस करो, और जो मोबाइल से भी थोड़ी बहुत हेल्प ली टॉपिक्स वगैरह पढ़ने में, उससे काफ़ी हेल्प मिली. और फिर टू जीडी में सर ने मैं सीटिंग वगैरह के बारे में भी बताया था, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो सही हाँ, थी कि कि वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करना होता है. तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी कमियां थी. हाँ सर, मेरी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती थी. अभी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस फील होता है? यस सर. और ये सारा किसकी बदौलत हुआ ये सारे चेंजेस? सर हमारे ट्यूटर कौन थे आपके ट्यूटर? सर सुधीर यादव. ओके, तो उन्होंने आपको बड़ी अच्छे तरीके से तैयार किया. यस सर. और उसके बाद में आपको 2 महीने की प्रिपरेशन के बाद में आपको कैसा फील हुआ कि मैं इजीली एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगी? सर इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो गई थी और फिजिकल भी, यहाँ सुबह सुबह शाम दोनों टाइम होता था. वजन तो कितना था आप आए तो मुझे पता है कि आप 68 बड़ा था. 68 था. फिर यहाँ आने के बाद 7 kg कम हो गया. 7 kg कम हो गया तो 59 के अप्रोक्सीमेट आपका. ओके, सो व्हाट थिंग्स दैट मोटिवेट्स फॉर द डिफेंस फोर्सेस, क्यों आप इनमें जाना चाहते हैं? सर जब 12th का एग्जाम पास किया था तो सबसे पहले मेरे ताऊजी के लड़के ने बताया था एनडीए के बारे में, तो फिर मैंने एनडीए के लिए प्रिपरेशन की. पर उसमें मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो पर जाना डिफेंस में ही था तो एयरफोर्स का पेपर दिया था. उस टाइम लड़कियों को अलाउ ही किया था, एयरफोर्स में एंट्री दी थी इसलिए. अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है कि ये जो डिफेंस फोर्सेज में आपको सक्सेस दिलवाएगी? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि कितना भी स्ट्रगल आए रोकर रह लूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं. हाँ, मैंने देखा कि तुम यहाँ आई थी तो रोती भी थी, हाँ, है ना, सर, घर की याद भी आती थी, घर जाना चाहते but you have faced it, yes, sir. है ना, तो आप इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो घर से पहली बार बाहर निकलती हैं, और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो घर से पहली बार बाहर निकलते हैं, उनको परेशानियां भी होती हैं इनिशियल स्टेजेस, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी? सर अपना लक्ष्य पाने के लिए जितना भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो करना पड़ता जितनी ही है. भी परेशानियां हाँ, वो सहनी पड़ती सहनी है, स्ट्रगल बहुत जरूरी होता है. वो थोड़े टाइम के लिए होता है, हाँ फिर आपको स्ट्रगल में भी मजा आने लगता है. यस सर, क्योंकि मैंने देखा है इनिशियली यू आर फीलिंग ट्रबल्ड, बट आफ्टर दैट सम टाइम्स यू एंजॉयड दैट प्रिपरेशन ऑल्सो. हाँ सर, जब मैं आई थी तो मैं स्टार्टिंग में अकेले बैठती थी, बस यही सोचती थी कि घर कब जाऊंगी. फिर थोड़ा अपने बारे में सोचा कि यहाँ आए क्यों है, क्या करना है जिंदगी में. फिर थोड़ा पढ़ने फिर पढ़ाई में फोकस करना शुरू किया और फिर आपको मजा भी आने लगा.
तो मोशंस एकेडमी, हाउ मोशंस एकेडमी हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन? सर मोशंस एकेडमी में मैंने अक्टूबर में एडमिशन लिया था, उसके बाद हमारी जो फेज टू की जीडी की क्लास स्टार्ट हुई उसमें और फिजिकल एक्टिविटी तो होती ही थी सुबह शाम ट्रेनर के द्वारा। फिर स्टार्टिंग में जीडी में मैं इतना बोल नहीं पाती थी, झिझक महसूस होती थी इंग्लिश बोलने में और टॉपिक के बारे में भी कुछ पता नहीं होता था। बोलना तो भी नहीं पता था किस तरीके हाँ, से किस बोलना। तरह से कैसे प्रेजेंट करना होता है खुद को, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो फिर सर ने बताया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन लिमिटेड देना होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम फिक्स होता है कि इतनी मिनट में आपको रिप्रेजेंट करना है खुद को। इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, फिर टॉपिक्स के बारे में सर ने हमें शीट भी दी थी और थोड़े मोबाइल की हेल्प भी ली। अच्छा, और ये जो आप कंटेंट, जो टॉपिक्स आपको करवाए गए उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आए, यस सर। तो वो कैसा फील हुआ कि आपसे जो टॉपिक तैयार किए उसी से जितने भी जीडी के स्टूडेंट थे उन्होंने 100% यही बोला कि सर जो आपने करवाया वही आया? सर मोस्ट ऑफ द टॉपिक नॉर्मली पूछे जाते हैं, जेन्युइनली जो टॉपिक होते हैं ऐसे हार्ड टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। और अपन जब बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं ना तो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं, तो अपन बोल सकते हैं वहाँ पे जाके आराम से। तो जीडी के टाइम पे आपको नर्वस फील हुआ था नहीं सर, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि अपन कि आराम वो से बोल सकते हैं वहाँ पे नर्वसनेस ही जाके। खत्म कर दी थी हाँ यहाँ पे? तो यहाँ पे मतलब तुमको ओवरऑल आपके मतलब बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करवाया गया हाँ सर, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड किया यस गया सर, और आपका जो कंटेंट था उसको भी तैयार करवाया गया। यस सर, तो उसके अंदर एक पार्ट आता है कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आपने बखूबी अच्छे से दिया, लेकिन टॉपिक को किस तरीके से स्टार्ट करवाया गया, वो आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आया? सर। स्टार्टिंग में वहाँ पे सभी लड़कियाँ या फिर जो लड़के होते हैं वो साथ में बोलते हैं, पर वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो खुद बोल देते हैं कि आराम से बोलना है, तो आपकी आवाज़ थोड़ी अच्छी होगी तो आप अच्छा बोल सकते हैं वहाँ पे, शुरू थोड़ा में सा साउंडली बोलना। इनिशिएट कर सकते हैं टॉपिक को। और उसके बारे में अगर आप कम बोलिए पर इफेक्टिव बोलना होता है वहाँ पे, ज़्यादा वो भी नहीं बोलना होता क्योंकि वो ऑफिसर्स चुप ये करा आपको देते सिखाया हैं। गया था यहाँ, हाँ सर, और कंक्लूजन किस तरीके से देना है? कंक्लूजन तो सबकी बात अच्छे से सुनो, टॉपिक में अच्छे से ध्यान दो, फिर ओवरऑल कंक्लूजन दे सकते हो तो आराम ये से। मतलब ये सारी चीजें आपने यहाँ से सीखी यस कि सर, पूरा जब तक पूरा सुनोगे नहीं तब तक अच्छा आंसर नहीं दे यस पाओगे। सर, मेरी जीडी में मैंने कंक्लूड किया था सर टॉपिक को। आपने कंक्लूड किया यस था, सर, तो हाउ वाज इट? सर ऐसा लग रहा था कि जो पूरे जीडी के टॉपिक में नहीं बोला ना वो कंक्लूजन वो में बोल कंक्लूजन दिया। में तुमने सब कवर यस कर सर, लिया, तो दैट्स व्हाई यू गॉट द 13 रैंक है यस ना सर, इन योर एग्जामिनेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर कॉन्फिडेंस इन मोशंस एकेडमी थैंक यू सर, एंड अबाउट योर फैमिली ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो प्राउड ऑफ यू एंड योर विलेज ऑल्सो, दे विल फील प्राउड कि प्रियंका हैज़ क्वालिफाइड दिस एयरफोर्स एग्जामिनेशन एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन एयरफोर्स इन 21st of June। जून। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।